तो आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। तो इस एक्सरसाइज आपको क्या मिलना, ठीक है, कुछ न्यू चीज़ है आपके लिए, वो क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपको हमने 1.1 में क्या किया था, 1.1 में स्टार्टिंग में आपको एक वाई की वैल्यू गिवन था, कुछ भी एक्स स्क्वायर जो भी रूट में फाइव एक्स जो भी आप गिवन था, ठीक है, हम इसको आपको वाई कोडिंग फॉर्म में गिवन था, हम उसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलता था, ठीक है। फिर आपको हमने 1.2 में भी सेम वही था वाई के फॉर्म में, फिर 1.3 में आपको क्या मिला, एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, मतलब आपको एक्स प्लस वाई भी था और साथ में क्या था, एक कॉन्स्टेंट नंबर था, कुछ भी था, ठीक है। इसमें हम इसको मिला था इम्प्लिक फंक्शन, क्या था इसको, इम्प्लिक फंक्शन था, ठीक है, और ये क्या था, एक्सप्लिसिट फंक्शन था, और ये था इम्प्लिक फंक्शन, ठीक है। हमने सॉल्व किया, अब एक और चीज़ क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, पहले ओनली वाई अकेला आया, फिर दोनों साथ में आ गए, फिर अभी वापस अलग अलग हुए, मतलब फिर इसमें एक्स की वैल्यू गिवन रहेगी और एक आपको वाई की वैल्यू भी एक गिवन रहेगा, ठीक है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन रहेगा, आपको दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, समझो आपको इधर आपको गिवन है 3t² + 4t + 2, ठीक है, अगर अगर आपको गिवन है 9t + 2, देखिए आपको दोनों में क्या है, टी का दिया, क्वेश्चन में क्या है आपको टी दिख रहा, तो इसको हम क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, और इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, उसके बाद आपको निकालना होगा, आपके हमें यहाँ पर गिवन रहेगा कि एम स्क्वायर, एम आपको इधर एम है, तो इधर आपको एम ही रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर रहेगा थीटा थीटा थीटा, तो आपको थीटा से करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट थीटा, तो आपको जो टर्म रहेगा आपको उससे डिफरेंशिएट करना है, आपको फिर पाना है ये फॉर्मूला आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो आपका ये बेसिक फॉर्मूला है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम, जो कि गिवन है आपको एक्स इक्वल टू 80² इक्वल टू और कमा वाई इक्वल टू 2a, तो सिंपल है सॉल्यूशन, आपको एक्स इक्वल टू क्या है 80 है, ठीक है, और आपको यहाँ है वाई इक्वल टू 280, ठीक है। अब सिंपल आपको कॉमन स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब ये चीज़ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, यहाँ पर आपको दोनों में टी टी आ रहा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना है आपको, टी से करना है। तो अगर पहले में क्या डिफरेंस, हम आपको वाई को लिखी बने 2x² + 5x + 3, तो हमें क्या कर इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, तो क्या होता आपको dy/dx, मतलब जो यहाँ हम जिससे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो टाइम एक्स क्या होता था नीचे आता था और जो इक्वल टू है वो ऊपर आता था, तो सिमिलरली अब यहाँ हम लोग किससे कर डिफरेंस टी से कर रहे हैं, तो आपको डी बाई डी हम लोग लिखेंगे, ऊपर कौन आता जो क्वेश्चन इक्वल टू था, तो ऊपर क्या इक्वल टू है एक्स, ऊपर एक्स आएगा, ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं एक्स से, तो एक्स नीचे आता, एक्स का मतलब क्या जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है टी गिवन है, तो आपका टी आपका नीचे आएगा। ये बेसिक चीज़ आपको समझना है, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखिए हो गया, तो आपको इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, इधर आपको डी बाई डी टी इसको एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू क्या हमें आपको 80² मिला, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो, सिमिलरली इधर आपको वही टी से करना है, सेम स्टेट में लिखना आपको सेम, तो डी वाई बाई डी टी या एक्स का तो एक्स लिए वाई तो वाई लेंगे इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ये एक्स था तो एक्स की वैल्यू पुट किए वाई तो वाई की वैल्यू क्या मिला आपको 280, ठीक है। अब देखिए जब मैं डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको डी बाई डी टी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है और एक्स स्क्वायर का रिलेटिव क्या होता है n² - 1, मीन्स आप जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव करेंगे आपको वो टर्म का फॉर्मूला यूज करना है एक्स से, इसमें एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं टी से करूंगा तो इसमें टी रेस्ट टू एन का फॉर्मूला क्या मिलेगा सिमिलरली एन टी रेस्ट टू एन माइनस वन ये मिल रहा है, अप्लाई करते हैं, सो ए आपका कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, तो ए लिखेंगे सेम इनटू में 2t² - 1, क्यों ये एक्स स्क्वायर टी रेस्ट टू एन का फॉर्मूला है, मतलब एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा ये 2a इनटू में 1 y1 बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1,
इसके x के रेस्पेक्ट में x का मान होता है, तो t के रेस्पेक्ट में t का क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए आपको 2 1 2 ये मिला, ये आपको मिला 2at, तो आपको ये dx by dt मिला, ये मिला dy by dt मिला। ठीक है, इसके बाद क्या करना आपको, अब देखिए आपको मैं लिखना लाएगी सर सिमिलरली, आपको क्या मिलेगा dy by dx। अब ड्यूरी आपको मेन एम क्या, आपको dy by dx ही फाइंड करना है। सो dy by dx का फॉर्मूला क्या है, dy by dt मीन्स आपको dy है, आपको dy ऊपर लिखो, हमने किसके रिस्पेक्ट में डिराइव किया ये चीज़ को, तो dt डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, कुछ नहीं होने वाई, ऊपर वाई है ना, तो वाई का ऊपर रखना है, नीचे एक्स और इसके एक्स का नीचे रखना है, नहीं नहीं आपको ये फॉर्म है, फॉर्म आपको याद नहीं है समझ जाए, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यस, तो जो वाई है वाई इसमें आ रहा है तो उसको ऊपर रख देंगे, ऊपर क्यों, वाई ऊपर है और एक्स नीचे, इसके लिए आपको एक्स नीचे रखो, तो इसका वैल्यू क्या मिला आपको, 2a मिला, तो 2a लिखो, इसका वैल्यू क्या मिला डी एक्स बाई डी टी वाली क्या मिला 280, तो 280 कैंसिल हुआ, तो क्या मिला आपको, ओनली 1/t, ये मिला आपको dy by dx, तो dy by dt, नॉट dx, आपका फाइनल आंसर आ गया, dy by dx, क्योंकि आपको dx ये मिला, आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए आपको गिवन है x equal to a cot theta and comma y equal to b cos theta। अब देखिए अभी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, थीटा है, क्या गिवन है थीटा, तो आप बोलिए आप किससे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा से लेना। ठीक है, तो करते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो देखिए पहले आपको ये इसमें अब लाइन मारता, देखिए तो आपको मैंने देखिए एक्स का क्या मिलेगा डी एक्स बाय डी थीटा, मैंने आपको बोला कि जो रेस्पेक्ट में दो थीटा नीचे आएगा ऊपर कौन था इक्वल वाला, देखिए एक का ही लिखो, अब कॉसेक का रेडियस क्या है, कॉट का रेडियस क्या है, कॉस कॉट का है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग थीटा से कर रहे हैं, तो ये थीटा है, थीटा ये, ठीक है, इधर पे डी वाई बाय डी थीटा बी कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक इंटू में कॉट एक्स, ये क्या है, ये कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया और ये कॉसेक का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो सिंपलीफाई करते हैं, तो माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर आपको मिलेगा माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, आपको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर dy by dx इक्वल, अब देखिए आपको y मिल गया सिंपल, तो आपको dy नहीं आता, तो ऊपर y है, तो y किधर है dy by d थीटा में, तो इसको मैं ऊपर रखूंगा और इसको मैं नीचे, तो ठीक है, सो आपको मिलेगा dy by d थीटा डिवाइड बाय ये dx by d थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिला आपको माइनस b, माइनस b कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा होल डिवाइड बाय, इसका वैल्यू क्या मिला आपको माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए माइनस का कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर है तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या मिला बी डिवाइड बाय ऊपर कॉट बच गया, नीचे क्या बचा कॉसेक आपका ए बचे। आपको अभी आपको मालूम है कॉट का मतलब क्या है, कॉट का मतलब क्या होता है कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, वेरी गुड, और कॉस का मतलब क्या है, कॉस का मतलब क्या है 1/sin, तो मैं करूँगा बी बाय ए इंटू में कॉस का मतलब क्या है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन में कॉस अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस का मतलब क्या है साइन, होता है कॉस का मतलब क्या है 1/sin। ठीक है, तो 1/cos क्या होता है 1/cos थीटा क्या होता है, तो ये इसको मैं किसको मैं ऐसा ही करता है, इसको मैं बी अपॉन में ए है, इसको कॉट थीटा इंटू में इसको मैं कर दूंगा 1/cos में कॉस कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो कॉट है मेरा कॉस अपॉन साइन बन गया,
ये अपन कॉस से ये क्या बनेगा साइन बनेगा, ठीक है, लिखूंगा मैं साइन थीटा, ठीक है। फिर से क्या होगा बी ए, इससे साइन साइन कट गया तो क्या मिला बी बाय ए, ऊपर में बोली कॉस बोल दिया कॉस थीटा, तो मिला आपको डी वाई बाई डी एक्स। तो समझ में थ्री आपको गिवन है y x equal to under root a square plus m square and y equal to log of a square plus m square. तो सिंपली आपको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे क्वेश्चन में आपको m लिखना विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। तो आपको मिलेगा dx अपॉन में dm इक्वल टू बी, सो मैं क्या करूँगा रूट एक्स, क्या दूंगा आपको रूट एक्स, तो रूट एक्स से क्या होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स, ठीक है। तो आपको मिलेगा वन अपॉन में टू रूट ऑफ ये पूरा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बट एक्चुअल में ये हमने किसके रिस्ट में किया एम के, तो ये एम है क्या, ये एम नहीं है, तो इसके लिए आपको आगे भी करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स डी बाई डी एम ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये क्या मिलेगा, अभी देखिए तो आपको मिलेगा ये वन अपॉन में टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में, हम लोग एम से डिफ्रेंशिएट कर रहे तो इसके पास एम है क्या, नहीं है, तो मतलब ये क्या बन गया जीरो कॉन्स्टेंट टर्म प्लस, इसमें क्या मिला आपको टू एम, क्यों ये एम को अब एक्स अज्यूम करो, एम को आपको क्या अज्यूम करना है एक्स, तो एम की पावर टू मतलब एक्स की पावर टू हो गया, तो क्या मिलता है टू एम क्यू माइनस वन, ठीक है। तो टू एम टू माइनस वन मतलब आपको एम ही मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको मिलेगा टू एम डिवाइड बाई जीरो प्लस टू एम टू एम टू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, टू टू कैंसिल हुआ तो एम डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, हमने इसको अब इसको वाई से करते एक्स को कर दी अब वाई को, तो डी वाई बाई डी एम नॉट एक्स, हाँ। तो देखिए लॉग क्या करते हैं लॉग एक्स का वन बाय एक्स, तो लॉग एक्स का वन बाय तो नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बट ये एम है क्या एक्चुअल में, नहीं है, तो इसके लिए आपको डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एम ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर देखिए इसमें इसके तरह कर देखिए, तो ये कॉन्स्टेंट नंबर है क्यों सर एक्स एम नहीं है, इसके लिए जीरो प्लस टू एम, ठीक है। तो आपको मिलेगा टू एम डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको ये डी एक्स बाई डी एम मिला, ये मिला आपको डी वाई बाई डी एम मिला, आपको निकालना है फाइनल डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एम बटे में डी एक्स बाई डी एम, ठीक है। वाई वाले ऊपर एक्स वाले नीचे, तो इसका वैल्यू क्या मिला आपको ये वाला 2m डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई, इसका वैल्यू क्या मिला आपको ये मिला, तो m डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ ये अक्सर इसको और इजी कैसे कर सकते आप लोगों, अब ये देखिए ये पूरा आपको उल्टा रहेगा, ये पूरा देखिए पूरा नहीं उल्टा रहेगा, मतलब ये पर सेम रहेगा 2m डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू में ये सेम लिखा मैंने, अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और नीचे क्या मिला आपको ओनली एम मिला, ठीक है। एम एम कट जाएगा आपको वो क्या बचेगा, आपको मिलेगा रिटर्न में ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाय, अब देखिए समझा लो मैं इधर लिखूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है x क्यों ये रूट रूट कैंसिल होता है, तो मैं इसके बदला मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये बिना रूट के ना, तो इसको मैं क्या करूँगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो टू टू अपना बचा है इंटू में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, मैंने ऐसा क्यों किया बिकॉज ये रूट रूट आपको कैंसिल करना है, ठीक है, ये रूट रूट आपको कैंसिल करना है, ठीक है। तो इनमें जो x था इसको आप मल्टीप्लाई करो आपको ये रूट रूट आपको सिंपल ये मिलेगा, तब ये और ये कैंसिल हुआ था, तो क्या मिला टू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स, आपको फाइनल आंसर आ गया। एक और चीज़
अगर आपको ये नहीं समझा तो आप यहाँ से वो स्टेप वन मेथड सॉल्व कर, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्योंकि वो मेथड क्या है, मैं सिंपली इसको क्या कर दिया, रूट टेस्ट को दो बार लिख दिया। अभी रूट टेस्ट को एक ही बार मिले, वो दूसरा भी देख लेते आपको क्या गिवन बनता ये चीज़। ठीक है, आपको गिवन बनता ये टू डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या है ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम है कि टू ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हाफ हाफ मिले, हाफ क्यों, रूट का मतलब क्या होता है हाफ, और डिवाइड बाय नीचे ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर पावर क्या है पॉजिटिव वन है, ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव, ऊपर जाके नेगेटिव, तो मतलब टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पावर हाफ है इनटू में ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पावर माइनस वन। ठीक है, ऊपर जाके क्या बन गया माइनस बन गया, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले गया था तो नीचे से ऊपर क्या बन गया नेगेटिव बन गया माइनस आ गया। अब देखिए अब मान लो आपको ए रेस टू एम इंटू में ए रेस टू एन क्या होता है एक ही पावर एम प्लस एन होता है, मतलब हाफ प्लस माइनस वन। ठीक है, तो हाफ और माइनस वन मतलब क्या मिला आपको वन माइनस टू अपॉन में टू, मतलब माइनस हाफ मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा टू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, ये सब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को आपको माइनस हाफ मिलेगा, तो इसको देखेंगे टू और इसको नीचे के पॉजिटिव, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपको हाफ मिलेगा, प्लस क्यों ऊपर से नीचे गया तो पॉजिटिव बन गया। अब रूट का मतलब क्या होता है टू डिवाइड बाय ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए आप इतना लंबा करो या सिंपल दूसरे में करो आपकी मर्जी, आपको तो सेम आया, आप इसको इतना लेंथी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सिंपली आपको लॉजिक लगा के इसको डायरेक्टली पैसा करेंगे, लॉजिक लगा के आपको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सब नंबर देखिए आपका फोर्थ टर्म एक्स इक्वल टू साइन थीटा वाई इक्वल टू टेन थीटा। अब किसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको क्या मिलेगा डी एक्स बाई डी टी डी थीटा डी बाई डी टी। तो साइन का रेट क्या होता है, साइन का होता है कॉस, अच्छी बात मालूम आपको, आपको इधर क्या मिला डी वाई बाई डी थीटा क्या मिला आपको। अब देखिए टेन का क्या होता है रेडियस सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, आपको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, तो आपको क्या मिलेगा इसका मतलब क्या आपको सेक स्क्वायर थीटा मिला, वेरी गुड, इसका मिला आपको कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर लिखूँ इंटू में वन अपॉन में कॉस लिखूँ। ठीक है, तो कॉस का मतलब क्या होता है वन अपॉन कॉस क्या होता है आपको मालूम है, सेक का मतलब क्या होता है वन अपॉन कॉस। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में वन अपॉन कॉस क्या है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर इंटू सेक थीटा क्या मिलेगा आपको सेक क्यूब क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स डी वाई डी थीटा। ठीक है, आपको फाइनल आंसर